हाय गाइस, मैं सरुण जोसफ, मैं केरला का हूँ, केरला में कोटायम का रहने वाला हूँ। और गाइस, अपना चैनल फिशिंग ट्रेंड्स का नाइट फिशिंग पार्ट 3 वीडियो में मेरा प्यारा दोस्तों सबको स्वागत करता हूँ। गाइस, हम नाव में क्या अपना नाइट फिशिंग का जो कुछ सामान वगैरह सेट कर रहा था, उस टाइम क्या एक बिल्ली ने एक गिलहरी को, छोटा सा गिलहरी को पकड़ के लेके जा रहा था। हम क्या गिलहरी की तरफ बचाया है, वो जो बिल्ली को पत्थर मार के उन्होंने गिलहरी को बचाया, और उसको क्या हमने मेरा दोस्त ये जीते है, ये क्या उसको थोड़ा सा दूध वगैरह पिला रहा है, और उसको क्या हमने छोटा सा एक घर वगैरह बना के उसको उधर पाला हुआ है। को एक और बार नाइट फिशिंग पार्ट 3 वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये अपना गन है, इससे हम फिशिंग करते हैं, ठीक है। ये इसको स्पीयर गन बोलते हैं। यह है हम रोहू, कतला, ग्रास कार्प वगैरह वगैरह जो मछलियों को हम उसको घर में जा के घुस के मारता है। और एक बार दोबारा बताता हूँ, हम जो मच्छी को जो मारते हैं उस टाइम चारा वगैरह डालता नहीं है। जैसे एयरलाइट चला के हम जो पानी में देखते हैं उसमें हमको जो मच्छी दिखाई देता है, उस टाइम क्या आराम से अपना नाव को क्या मच्छी के पास लेके चलता है। उसके बाद मच्छी को पास रख के एक अपना स्पेयर गन को मारता है। तो गाइस, अभी हम सीधा अपना वीडियो में चलते हैं। अगर आप अपना चैनल में नया है तो पक्का एक लाइक करके सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपका दोस्तों को क्या शेयर करना है। ये जो वीडियोस के अपना नाइट फिशिंग वगैरह हमको बहुत एंटरटेनमेंट वाला वीडियो है, आपको देखते रह जाओगे। अभी हम अब सीधा अपना वीडियो में चलते हैं। गाइस, हम क्या फर्स्ट मच्छी पकड़ने के लिए क्या अपना गन कीस के बिल्कुल एकदम सही करके रखा है। गाइस, हम देखो एक मच्छी को देखा हुआ है। देखो आप टॉर्च लाइट जहाँ पर दिख रहे हैं वहां पर आप ध्यान से देखते रहना। यस यस यस, फंस गया भाई, यस फंस गया। अब हम क्या आपको स्लो मोशन में दिखा देंगे, ठीक है। यस यस यस, लग गया दोस्तों। आप लोग क्लियर ही अपना वीडियो में देख लिया होगा। देखो अपना पार्ट 3 का फर्स्ट मच्छी को हमने पकड़ा गया है। अभी देखो, मैं आपको अपना जो मच्छी को मारने के बाद मच्छी वो अपना जो आयुध है ना उसको लेके भागा हुआ है, उसमें क्या हम रस्सी बांधा हुआ है, और रस्सी को मैं पकड़ कर देखता हूँ। ये देख, यस, वहाँ तक वो लेके चला गया, वो पानी को ऊपर जंप कर रहा है। देखो कितना दूर लेके जा रहा है, हम देखते हैं। गाइस, अभी मच्छी को क्या अपना पानी से बाहर निकालने के लिए क्या मैं जाल पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मच्छी आएंगे हम उसको अभी उठा के आपको दिखाएंगे। गाइस, मच्छी अभी अपना जाल में फंस गई, अपना फर्स्ट मच्छी यही है, देख लो आप लोग। गाइस, ये जो मच्छी का नाम ग्रास कार्प है, ठीक है। Thank you.
गया। ये देखो गाइस, हम अपना ग्रास कार्प हम उठा के अपना नाव में डाला हुआ है। देखो कम से कम ये 10 किलो का आसपास तो आ ही जाएगा। हम लास्ट में तोड़ के बता देंगे कितना होगा, ठीक है। यस, मजा आ गया भाई। ग्रास कार्प। अब गाइस हम ये मच्छी को क्या अपना नदी का किनारे में लेके चलते हैं, और किनारे में लेके चलकर हम इसके अंदर अपना जो गोली घुसा हुआ है उसको कैसे निकालने, कहाँ घुसा हुआ है, हम अभी सीधा वीडियो में डायरेक्ट देख लेते हैं। ओके, गाइस आप लोग देख रहा होगा वो मच्छी का पीठ पे एक व्हाइट कलर का वो अपना गोली उसका उधर से घुसा हुआ है। करेक्ट एम तो बहुत तगड़ा एम दिया हुआ है मेरा दोस्त जिदिन। वाव, मजा आ गया भैया जी। गाइस अभी ये जो मच्छी पकड़ा है मेरा दोस्त जिदिन, लेकिन ये जो फुल क्रेडिट जिदिन को नहीं है, पूरा क्रेडिट देखो ये जो अपना नाव का जो पीछे बैठने वाला ये जो भैया का, इनका नाम है मुरली। इनका एक बार शक्ल दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। इनका जो मेन काम ये है कि जो अगर मच्छी अगर जिदिन अगर देख लिया होता तो क्या है, उसके बाद नाव को बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, वैसे के आराम से मच्छी के पास ले के आ के रखना इनका काम है। अगर फुटबॉल का नाम पर बोलेगा तो क्या है, इनका काम असिस्ट करना है और जिदिन का काम है गोल मारना है। अब गाइस अभी हम चलते हैं अगला मच्छी को पकड़ने के लिए। ओके, सुपर एक देसी मच्छी मिला हुआ है अभी आपका साइड में। इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसको क्या हिंदी में पठान बोलता है, पंजाब के बादल बोलता है, ऐसे अलग अलग बोलता है, ठीक है। अभी हम ये मच्छी को बाहर निकाल देंगे तब आपको दिखा दूंगा। अगर आपके इस मच्छी का आपने क्या बोलता है तो एक बार अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओ गैस अभी देखो हम उसको उठा रहा है, उसको उठा कर पुनः नाव में डाल दिया। देखो गैस अभी आपको पता है इसका नाम क्या है, अगर आपको नाम अगर पता है तो पक्का अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये कम से कम 7-8 किलो होगा। देखो अभी गैस हम इसको ऊपर जैसे हमारा गोले घुसा हुआ है उसको निकाल रहा है। देखो देखो सामने निकाल रहा हूँ। करेक्ट एम तो मेरा दोस्त का तो बहुत तगड़ा एम है गाइस। ये के चलता हुआ पानी है, ठीक है, बहुत बड़ा पानी। आपको मैं ये जो नदी का वीडियो में आपको फर्स्ट मैं अपना पार्ट वन वीडियो में दिखाया है। ये क्या कोई डैम डूम नहीं है, ठीक है। अभी अपना पीछे जो मनोज भाई बैठा हुआ है उन्होंने बोला था कि पक्का इधर से मच्छी मिलेगा, ये इस मच्छी मिलने का एरिया है, ऐसे ही मजाक बोला था, लेकिन क्या मैं मिल ही गया। देखो पठान मच्छी को, ये देखो ये जो मच्छी है हमारा जो नाव में क्या हम चलते चलते क्या ये अपना जंप करके अपने नाव में गिरा हुआ है, बोले तो अपना अभी ये सुसाइड किया हुआ है। ऐसा भी क्या है हमारा ये नाव में बहुत कुछ ये जो मच्छी गिरा हुआ है, हम इसको के उठा लेंगे। अभी देखो हम एक किनारे पे आ गए नदी का, अभी क्या हम इधर आग वगैरह जलाएंगे। अभी मच्छी को क्या हम एकदम जंगली टाइप कैसे इसको फ्राई करना है एक थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हम मैं बताऊंगा नहीं, अभी आप डायरेक्ट देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। अगर आप अपना चैनल में नया है तो नए तो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए भूलना नहीं। अभी अपना वीडियोस और बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आने वाला है गाइस। ये देखो हम अभी अपना मच्छी को फ्राई करना शुरू किया। ये देखो ये मेरा बगल में बैठा है एक भैया, ये तो अपना जितना मेन हीरो
और ये मुरली चेतन मतलब मुरली भैया। ओके अभी हम ये जो मच्छी का नाम हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, देखो हम फ्राई कर रहे हैं इसको आग में। गाइस इसका टेस्ट तो बहुत तगड़ा टेस्ट है। देखो मेरा जिदिन के इसको थोड़ा क्लीन कर रहा है इसको फ्राई करने के लिए। और गाइस ये जो अपना पटन मच्छी है वो 6 किलो और ग्रास कार्प 8 किलो है। गाइस अगला पार्ट जब तक नहीं आएगा तब तक गुड बाय।